शाहरुख को लेना पड़ना है साउथ का सहारा क्या साउथ इंडियन डायरेक्टर के साथ काम करना है शाहरुख की मजबूरी क्या बैक टू बैक फ्लॉप देने के बाद एटली की जवान दे पाएगी हिट आप देख रहे हैं फर्स्ट इंडिया फिल्मी और मैं हूँ आपके साथ रोशनी जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पिछले कई समय से शाहरुख कोई फिल्म लेकर नहीं आए हैं उनकी फिल्म जिस तरह से रईस फैन या फिर जीरो बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हुई उसके बाद शाहरुख काफ़ी सोच समझकर अपना एक एक कदम आगे बढ़ा रहे हैं प्रीवियसली उन्होंने पठान और डंकी का अनाउंसमेंट किया था जिसके बाद उनके फैंस तो काफी ज्यादा एक्साइटेड हुए लेकिन उनकी द मोस्ट अवेटेड फिल्म जिसके प्रोजेक्ट पर वो काफी समय से काम कर रहे हैं एस के और अटली का कोलेबोरेशन जिसको लेकर शाहरुख खान ने भी काफी ज्यादा इनपुट दिए है चाहे फिर बात हो प्रोडक्शन की इस फिल्म में काम करने की या फिर छोटे छोटे पहलुओं में स्टोरी लाइन पर काम करने की शाहरुख खान ने हर जगह बढ़ चढ़ इसमें अपना सहयोग दिया अब ऐसे में इस फिल्म का एक टीम यानी जवान फिल्म का शाहरुख खान, खान के चेहरे पर और शरीर में काफी ज्यादा चोटें लगी हैं और उनके फेस पर पट्टी बंधी हुई है अब ऐसे में एक मैप है और एक दूरबीन भी दिखाई गई है जिससे काफी ज्यादा ये अंदाजा भी लगाया जा सकता है कि शाहरुख का किरदार किस तरह से हो सकता है ऐसा लग रहा है कि शाहरुख किसी से चुप कर एक जगह पर है और वहां पर कुछ तो प्लान कर रहे हैं अब जैसे ये टीजर रिलीज किया गया है तब से ही सोशल मीडिया पर इस फिल्म के बहुत चर्चे हो रहे हैं इस फिल्म को मास फिल्म के तौर पर देखा जा रहा है इस फिल्म को हिंदी तमिल तेलुगु मलयालम और कन्नड़ा भाषाओं में रिलीज किया जाएगा लेकिन ये जो कोलेबोरेशन हम देख रहे हैं शाहरुख खान और एटली का ये बहुत ही अनयूजअल कोलेबोरेशन हम देख सकते हैं क्योंकि इसके पहले शाहरुख ने ना ही ऐसा कोई रोल किया है और ना ही ऐसा कोई कोलेबोरेशन किया है तो ये एक बहुत ही फ्रेश चीज होने वाली है लेकिन जैसे कि अगर बॉक्स ऑफिस की बात की जाए तो इस साल भी जिस तरह की फिल्में रिलीज हुई है उनमें कोई भी ऐसी बॉलीवुड की फिल्म नहीं रही जिसने एक बेंचमार्क सेट किया हो कंपैरेटिवली जो साउथ की फिल्में बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुई हैं अब ऐसे में यही देखा जा सकता है कि शाहरुख को भी साउथ का सहारा लेना पड़ रहा है उनको साउथ के डायरेक्टर के साथ काम करना पड़ रहा है और अगर इस फिल्म का जो टीजर भी आप देखेंगे तो एक जो लुक भी सामने निकल कर आया है उसमें भी यह साफ दिख रहा है कि ये मसाला फिल्म जिस तरह की साउथ की फिल्में हम अभी तक देखते आए हैं कुछ वैसा ही एक और इस टीजर को भी देख कर आपको को देखने मिलेगा अब ऐसे में बॉलीवुड बॉजिस साउथ का जो विवाद है वो तो पूरे इंडिया में चल ही रहा है जिसके बाद हम ये भी देख सकते हैं कि साउथ की फिल्में जो भी पैन इंडिया रिलीज हो रही है वो बहुत ही अच्छा प्रदर्शन कर रही है अब ऐसे में इन सब से सीख लेकर शाहरुख खान ने भी मन बनाया है कि कुछ अलग किया जाए या फिर साउथ का सहारा लिया जाए well, अब ऐसे में ये टीजर आपको कैसा लग रहा है और क्या आपको भी लगता है ये उसी तरह से एक मास एंटरटेनर फिल्म होने वाली है ऑल्सो जब हम कैंपेन की बात करते हैं जब प्रमोशनल कैंपेन हुआ करते थे पहले वो बहुत ही सीमित रहते थे एक एरिया के लिए लेकिन अब जो स्टार्स है वो पैन इंडिया जाकर फिल्मों को प्रमोट भी कर रहे हैं डू यू थिंक ये च... आपको ये चेंज कैसा लगता है लेट अस नो योर व्यूज इन द कमेंट सेक्शन एंड कीप वाचिंग फर्स्ट इंडिया फिल्में